हेलो एवरीवन कैसे हो बेटा आप सब जल्दी मुझे हालचाल बता दीजिए तो आज का लेक्चर है हमारा अ पेयर ऑफ मैचूज का लेक्चर नंबर टू तो बहुत डिमांड कर रहे हो कि कोर इंग्लिश की भी क्लासेस हो बेटा वो सब्जेक्ट खत्म हो चुका है इट मीन्स कि कोर्स खत्म हो चुका है तभी इलेक्टिव पे आए हैं बट डेफिनेटली आपको उनकी रिविजन वीडियोज़ जल्द ही डाउट नेट पर वापस मिलेंगी ठीक है तो जितने भी डाउट है हर बारी कहती हूँ मैं आपको कि हम रिविजन वीडियोज़ उसकी भी लेके आएंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए ठीक है आगे लेकिन अभी जो ये वूवन वर्ड्स है उसकी बुक को भी पढ़ लेते हैं ठीक है तो देखिए ये है हमारा वूवन वर्ड्स का चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर टू अ पेयर ऑफ मस्टाचेस अब मुझे जल्दी जल्दी एक वर्ड बताइए ठीक है मुस्टाचे का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ मूछे मैम क्या होता है मूछे होती हैं ठीक है ठीके, अब यहाँ पे हमने जब चैप्टर पढ़ा था ना बहुत सारी मूछों के बारे में बात किया था ठीक है शेर की मूछ कैसी होती है ठीक है चीता की कैसी होती है मतलब लायन टाइगर की उसके बाद हमने शीप की पढ़ी गोट की पढ़ी फिर चार्ली चैपलिन की पढ़ी फिर माउस बियर्ड के बारे में भी पढ़ी मतलब कि मुसराच के बारे में पढ़ी ठीक है तो आगे हम चैप्टर को पढ़ते हैं आई नो वुवेन वर्ड्स के जितने भी चैप्टर में पढ़ा रही हूँ बहुत टिपिकल हैं ठीक है काफ़ी हद तक आपको समझना पड़ेगा इस लिटरेचर के लिए और कहीं जो इसके चैप्टर्स हैं अलग अलग बोर्ड्स में क्लास ट्वेल्थ में भी देखे जा रहे हैं तो बेटा प्लीज अगर आपको मिलता है ये चैप्टर तो पढ़ लीजिए यहीं से पढ़ लीजिए अगर आपको कोई और बोर्ड में ट्वेल्थ में मिल रहा है तो ठीक है तो देखिए गेट द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ द कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि वेरियस काइंड ऑफ मुस्ट के बारे में ठीक है इन माई कंट्री जो राइटर बताता है ठीक है आउटसाइडर्स जो होते हैं बाहर के लोग होते हैं उन्हें ये चाहे लगे कि वो लोग स्टूपिड हैं लेकिन जो ये मुस्ताच हैं मूछे हैं एक तरह से क्या है बेटा यहाँ पे प्राइड फील होती है मतलब कि घमंड है लोगों को कि अगर हमारी मूछों का स्टाइल ऐसा है ठीक है तो ये बेटा बेसिकली इंडिया में ही ज़्यादा देखा जाता है या नहीं देखा जाता है यह चले आगे ठीक है अब मुझे ये बताइए जो लायन टाइगर का था ठीक है लायन बता रही हूँ मैं कि जो लायन बियड थी या लायन मुस्टैश थी वो किसे रिप्रेजेंट करती थी जल्दी मुझे बताइए जल्दी बताइए आगे देखें एंड एनी रेट ऑफ द पीपल मे थिंक ईजियर टू कन्वीनियंट टू वेयर द परमानेंट बाउंड्री लाइन लाइक मुस्टैचूज विच नीज असमीयर ऑफ द ग्रीस टू कीप दम ब्राइट एंड शाइनिंग बेटा मैं लेक्चर वन में ही इसे बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ मैं क्या बोल रही हूँ लेक्चर वन में ना आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में ऑलरेडी ही सब पढ़ता है लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ ताकि जो क्विज नंबर वन है जो बेस्ड है प्रीवियस लेक्चर पे आपको समझ में आ जाए ठीक है आगे देखें एंड अ वेरी यूनिक एंड पॉलिटिकल सिंबल दैट आर टू फॉर द इंस्टेंट इज द फेमस लायन मोस्टैच देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना ऐसे करके बॉक्स में लिख रही हूँ लायन मोस्टॉच ठीक है लायन मोस्ट का क्या मतलब होता था सिंबल ऑफ द ग्रेट ऑर्डर मतलब कि ये रिप्रेजेंट बेटा किसको करती थी मैम राजा को महाराजा को नवाब्स को ठीक है तो लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है बेटा राजा महाराजा और नवाब्स को ठीक है ओके आगे चले टाइगर मॉस्चर्ज के बारे में मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके टाइगर मॉस्चर्ज मतलब टाइगर जैसी मुँह क्या रिप्रेजेंट करती थी बेटा द एन कैन यू सेवरल पॉइंट मॉस्चर्ज वन बाय द अनबेंडिंग अनचेंजिंग सर्वाइवल तो ये कौन करता था बेटा सर्वाइवल्स ठीक है जो जीने के लिए बहुत मेहनती होते हैं बहुत सर्वाइवल होते हैं उन्हें ये टाइगर मॉस्चर्ज दिखाई जाती थी मतलब कि मैम इनके पास पैसा तो होता था हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में इनके पास पैसा तो होता था लेकिन आगे देखो यहाँ पे क्या है उनके पास गोल्ड ट्रिंकलेट्स होती थी हाँ गोल्ड की जो कोई चीज़ जिसकी वर्थ थो थो थोड़ी कम हो ठीक है और साथ ही साथ फ्यू मोमेंटोस ऑफ द पास्ट ग्लोरी मतलब कि हमने इसमें क्या पढ़ा था कि पूर्वजों से उन्हें कोई चीज मिली गई थी ऑनर बेटा ध्यान से देखिए देखिएड बास मतलब कि उन्हें कोई पूर्वजों से कोई चीज मिली जाती थी अगला हमने क्या पढ़ा है गोट मॉस्ट्रेच के बारे में किसके बारे में पढ़ा बेटा गोट मॉस्ट्रेच के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा हाँ पढ़ा तो गोट मोस्ट्रेच कौन पोरता था मतलब कि कौन लगाता था गोट मोस्ट्रेच वो जल्दी बताइए देखो आपने यहाँ पे बोला था जो नोवियो निचि है मतलब कि जो इनके पास नया नया पैसा आया है उनकी जो मोस्टेच होती थी उनकी जो मूछ होती थी वो गोट की तरह बकरी की तरह होती थी ठीक है द न्यू कॉमन बॉर्ग एंड द शॉपकीपर क्लास हु डोंट बिलोंग टू एन इन डिफरेंट हिंद लाइन तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि शॉपकीपर्स भी होते थे और कमर्शियल बॉर्गर्स अब बॉर्गर्स क्या होते हैं पूंजीपति ठीक है तो कमर्शियल बॉर्गर्स और शॉपकीपर्स भी हमने देखा था कि गोट मॉस्टेज को दे दे मतलब उगाते होंगे ना लड़के तो ठीक है आगे देखें ओके द लाइन ऑफ द मॉस्टेज वन सो टिप्स टू बी टर्न आउट डाउन द ओकेशनल डिमांड ऑफ द पावर कूली और ह्यूमैनिटी ठीक है टू प्रॉस्पोर द क्लाइंट अब यहाँ पे हमने गोट के बारे में और पढ़ा कि यहाँ पे कूली या ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी ऑफ द प्रोस्पोरस क्लाइंट तो ये हमारा गोट मोस्टेज का कीवर्ड बन गया ठीक है गोट मोस्ट्रेज का कीवर्ड बन गया क्लियर है क्विज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्लीज़ ध्यान से पढ़ते जाइए लेक्चर वन का ठीक है अगली मॉस्ट्रेज के बारे में हमने पढ़ा था कौन था चार्ली चैपलिन की मोस्ट्रेज ठीक है जो लोअर मिडिल क्लास पहनते करते थे चार्ली चैपलिन जैसी ऐसी ऐसी मूव होती है आप सबको तो ज्यादा पता होगा ठीक है मूवीज आप देखते होंगे ठीक है तो मोस्ट वन बाय द लोअर मिडिल क्लास बेटा मैं मूवीज नहीं देखती हूँ सॉरी ठीक है तो यहाँ पे क्या है दे, देयर इज अ चार्ली चैपलिन मोस्ट एच जो लोअर मिडिल क्लास पीपल पहनते थे मतलब कि उगाते होंगे और कौन लड़कियां थोड़ी करेंगी लड़के अंकल ठीक है ये सारे ओके क्लर्क प्रोफेशनल मैन ठीक है और यहाँ पे देखो लोअर मिडिल क्लास लेकिन उनका प्रोफेशन कैसा होता था काम क्या होता था क्लर्क या प्रोफेशनल मैन जो जॉब पर्पज लोग होते हैं आगे चलो ठीक है डिजाइन टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मॉस्चर्ज एंड अ क्लीन शेव्ड पर्सन ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ली चैपलिन जैसी कौन करता था मतलब प्रोफेशनल लोग जॉब के रिलेटेड लोग ठीक है और जिन्हें मॉस्चर्ज को मतलब कि क्लीन शेव और बीच में रखना पड़ता था क्लियर है ओके आगे हम पढ़े ओके शीप मोस्ट्रेज मतलब कि शीप शीप मोस्टेज का क्या मतलब होता था ऑफ कूलीज लोवर ऑर्डर मतलब कि जो कूली होते हैं जो सामान उठाते हैं और लोअर ऑर्डर के मतलब कि थोड़े नीचे वो शीप मोस्ट्रेज करते थे क्लियर है ये सर ओके आगे देखे माउस मोस्ट्रेज माउस मोस्ट मतलब कि क्या रेट माउस ठीक है ओके ऑफ पीसेंट पीसेंट कौन होते हैं बेटा फार्मर्स ठीक है मैंने आपको बोला था ना बेरी की जो लैंड पे काम करते हैं मतलब फार्मर्स क्लियर है या नहीं है चले एंड सो ऑन बहुत सारी मॉस्टेज और थी ठीक है तो यहाँ पे हमने यही तक पढ़ा है कि ये सारे लोग जो इंडिया के हैं जो ऐसी ऐसी मोस्टर्ज लगाते हैं और लोगों को डिफाइन करते हैं जैसे कि मूँछों पे डिपेंड होता है ठीक है मूँछों पे डिपेंड होता है कि लोगों का स्टेटस क्या है तो एक्चुअली ये बहुत ही गलत चीज़ है लेकिन ये हमारे जो देश के लोग हैं ऐसे करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ने उन्हें कोई राइट दे रखा है ठीक है गवर्नमेंट ने उन्हें सेंशन करा सुकृति दे रखी है भाई एक्सेप्टेंस दे रखी है हाँ भाई लोगों को अगर आपको पहचानना है तो उनकी मूछो से पहचानो लोगों को अगर आपको पहचानना है तो आप उनकी मूछों से पूछो तो यहाँ पे हमने और चीजें पढ़ी थी कि मूछों के प, पीछे पता नहीं कितने मर्डर्स हो चुके हैं ठीक है मूछो के पीछे क्लियर है आपको यहाँ पे यस और नो तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ठीक है उसी के बेस पे मैं आपसे टू क्वेश्चन क्विज के पूछूंगी तो क्वेज नंबर वन आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर वन द चैप्टर कौन कौन सी मोस्टैच को डिस्कस कर रखा है चैप्टर में जल्दी बेटा बताइए लायन टाइगर शीप या ऑल ऑफ अबव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैं कह रही हूँ बहुत ही ज्यादा सिंपल है जल्दी बता दो बेटा बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आगे चले जल्दी बताओ टाइम तो पड़ा है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड गो क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपकी स्क्रीन पे माउस माउस रिप्रेजेंट क्या माउस मोस्ट एच रिप्रेजेंट क्या करते थे पीसेंट तवाब महाराजा या कुली जल्दी बता दो बहुत ही सिंपल जल्दी जल्दी बता दो बहुत ही ज्यादा सिंपल है हो गया चले ओके चलते हैं चलो अब यहाँ पे आंसर मैं बता देती हूँ बोला था ना कि आप ध्यान से पढ़िए जो मैंने आपको रिवाइज कराया है क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के नहीं हमने नहीं सुननी है फिर हमारे आंसर गलत आ सकते हैं ठीक है काइंड ऑफ मॉस्ट्रेचे बेटा हमने लाइन के बारे में पढ़ा शीप के बारे में पढ़ा टाइगर के बारे में पढ़ा तो डी है हमारा ऑल ऑफ अब क्लियर ओके आगे चले ठीक है माउस मॉस्ट्रेच रिप्रेजेंट क्या बेटा पीसेंट्स पीसेंट्स तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ आपका करेक्ट आंसर पी सेंट का मतलब क्या फार्मर क्या फार्मर ठीक है आके चले, चलो, चलते हैं फिर। आगे का चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ठीक है क्विज मैं कहीं से भी पूछूंगी कभी भी पूछूंगी तो जो सेकंड क्विज होता है ये लेक्चर पे बेस्ड होता है बेटा बेसिकली तो अब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा of course the analysis of the expert is rather too abstract and not all murders can be traced to this cause but certainly it is true that the preferred preferences of the people in the regard to their most are causing a lot of trouble in our parts wo one word chapter number 2 इलेक्टिव है और आपको ये चैप्टर्स अगर आप दूसरे बोर्ड्स में हैं तो आपको ट्वेल्थ क्लास में भी मिल सकते हैं इस बुक से ठीक है

ऑफ द एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट होते हैं उन चीजों में ठीक है इज रेदर टू एब्रैक्ट जो सार है वो बिल्कुल ही टू एब्सट्रैक्ट है ठीक है एंड नॉट ऑल द मर्डर इतने सारे केसेस हो गया पे, मर्डर पे कि इन सबको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बट इट इज थ्रू द प्रेफरेंस लेकिन ये सच है कि लोगों की चॉइसिस प्रेफरेंसेज का क्या मतलब हुआ चॉइसिस ठीक है ऑफ द पीपल इन रिगार्ड टू देयर मोस्टैच आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन आर पार्ट तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे मूछ बना के बैठा है ठीक है ओके कोई कोई ऐसे ऐसे मूछ बना के बैठा है, कोई को ऐसे के बैठा है है को करके और इसी चीजों पे लोगों को हम जज कर रहे हैं तो बेटा ये बे, बेसिकली क्या कर रहे हैं प्रॉब्लम ट्रबल ट्रबल का क्या मतलब हुआ प्रॉब्लम और ट्रेस मतलब पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किसने क्यों मर्डर किया है ठीक है तो यहां पे बस यही चीज लिख रखी है क्लियर है आगे चले चलो मैम चलो ठीक है आगे पढ़ो फॉर इंस्टेंस देयर वॉज रंपर्स इन माई ओन विलेज द अदर डे अबाउट अ पेयर ऑफ मॉस मॉसिस बेटा ध्यान से पढ़ो कौन बोल रहा होगा ये लाइन अगर मैं क्विज में पूछू फॉर इंस्टेंट देयर वॉज अ रंपर्स इन माई ओन विलेज द अदर डे अबाउट अ पेयर ऑफ मॉस चैचेस मैम ये तो राइटर ने लिखा होगा तो एक क्विज में क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता बन सकता है। मैं तो कहीं से भी पूछूंगी क्वेश्चन तो अगर आप बिल्कुल अटेंटिव होके नहीं सुनोगे तो क्विज में मार्क्स नहीं लाओगे फॉर इंस्टेंट इंस्टेंट का क्या मतलब उदाहरण ही आप लिख लीजिए एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑथर क्या बोल रहा है राइटर क्या बोल रहा है देयर वॉज अ रंपस रंपस मतलब कि कलह कलह मतलब लड़ाई ठीक है इन माई ओन विलेज द अदर डे वॉज अबाउटेस ठीक है तो यहां पे देखा हम ऑथर बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ही विलेज में मेरे ही गांव में लड़ाई हो रही है और अगले दिन पता चलता है क्या पेयर ऑफ मोस्टैचेस पेयर ऑफ मॉस्ट्रेचेस का क्या मतलब कैसे मूछो को रखना ठीक है पेयर ऑफ मोस्ट्रेचेस आगे देखें इट्स सो हैपन दैट स्नेथ ramanand, the grocer, and the money lender who had been doing well out of the recent fall in the price of the wheat by buying up whole crops cheap from the hard-pressed peasant and then selling them at higher prices, looked it into his head to twist the goat. Dekho, it so happened, thi, dekho, that Sneth ramanand, स्नेत रामानंद का कैरेक्टर आया है हमारी स्टोरी में ठीक है द ग्रोसर ग्रोसर क्या होता है पंसारी की देखिए आपने दुकान हाँ ओके एंड द मनी लेंडर साहूकार मनी लेंडर क्यों होते हैं जो पैसे देते हैं ठीक है साहूकार इंटरेस्ट पे ओके हु हैड बीन डूइंग वेल आउट ऑफ द रीसेंट फॉल इन द प्राइस ऑफ द वीट

क्या मतलब जो ये तो सेठ रामानंद है ठीक है दबा दिया गरीब फार्मर को दबा देते हैं ठीक है यही तो चलता है इंडिया में क्या अपनी पावर का यूज करते हैं वो भी नेगेटिव सेंस में ठीक है जो करना नहीं चाहिए ठीक है तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो रामानंद है जो ग्रोसर या मनी लेंडर थे वो काम अच्छा कर रहे थे उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि वीट के प्राइसेस गिर गए थे और उन्होंने बाय किया था किसी फार्मर से या खेती बाड़ी करने वाले किसान से और उनको दबा दिया गया था तो उनसे सस्ते में गेहूं को खरीद लिया ठीक है एंड सेलिंग देम एट ए हायर प्राइस और मार्केट में बेचा हायर प्राइसेस से टूक इट इंटू हिज हेड टू ट्विस्ट द गोड ट्विस्ट मतलब मोड़ना ठीक है क्या हुआ कि आपने गेहूं ली और उसके बाद बेची किसको बेची हाई प्राइसेस पे बेची आपको क्या मिला बेटा प्रॉफिट मिल गया ठीक है इलेवेंथ क्लास के बच्चे तो भाई कॉमर्स के समझ सकते हो येस और नो हाँ समझ सकते हैं ठीक है प्रॉफिट हुआ येस और नो जल्दी बताइए कॉस्ट क्या है और सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया कॉस्ट कम हो गई तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट क्लियर हो गया अब हाँ तो यहां पे देखो एंड सेलिंग दम एट ए हायर प्राइस टूक इट इन टू हिस्स हेड टू ट्विस्ट द गोट क्या लिख रखा है टू ट्विस्ट द गोट आगे देखो मॉस्टेज इंटीग्रल टू हिज ऑर्डर एंड पोजिशन इन सोसाइटी एट द टिप फॉर दैट इट लुक नियरली लाइक अ टाइगर मॉस्टेज देखो देखो आप यहाँ पे क्या दिखा रखा है देखो यहां पे बोल रखा है कि पहले तो वो क्या करता है पहले तो क्या करता है बिजनेस की बात करेगा तो प्रॉफिट गेन कर लेगा ठीक है कॉस्ट क्या है कम है सेलिंग प्राइस ज्यादा है ज्यादा में बेच दिया उसके बाद वो क्या करता है अपनी जो गोट मोस्ट्रेच होता है ना गोट मोस्ट्रेच क्या जो मनी लेंडर्स वगैरह होते थे ठीक है शॉपकीपर्स वगैरह गोट मॉस्ट्रेज को रखते थे अब उनको ना ट्विस्ट कर लेता कैसे कर लेता टाइगर मॉस्ट्रेज की तरह रख लेता ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मॉस्ट्रेज इन टू टू हिस्स ऑर्डर एंड पोजिशन इन द सोसाइटी लाइक अ टाइगर मॉस्ट्रेज सबसे ऊपर क्या थी लाइन थी लाइन के बाद क्या थी मैम टाइगर की थी टाइगर का क्या मतलब था जिनके पास पूर्वजों से पैसे हो ठीक है उनके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स हो लैंड की थोड़ी बहुत चीजें हो ठीक है लैंड हो क्लियर है या नहीं है तो पहले तो वो क्या करता है पहले तो वो पीसेंट को या फार्मर को दबा देता है और उससे सस्ते में गेहूं को खरीदता है जाके महंगी गेहूं बेच देता है उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है पैसा हो जाता है जो जल्दी धनवान बन गया उसके बाद उसने अपनी गोट मॉस्टैच को ट्विस्ट कर दिया और टाइगर मोस्टैच दिखाने के लिए भाई मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बेटा ये अब की बात तो नहीं हो सकती ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी ना हाँ ये ना ये सो नो लेकिन अभी मॉस्टैचेस पे ना इंडिया में अभी भी डिफ्रेंसिएशन होता है ठीक है कई रीजन में आप बताइए आपके रीजन में तो नहीं होता बट मैंने सुना है ठीक है आगे चलें चलो नो बडी सीम टू माइंड वेरी मच बिकॉज मोस्ट ऑफ द माउस मोस्ट पीस इन आर विलेज आर टू द लोकल मनी लेंडर्स तो यहां पे बेटा देखो क्या बोल रहा है नो बडी सीम टू माइंड वेरी मच ठीक है बहुत जो जितने लोग थे ना वो ध्यान नहीं दे रहे थे इन चीजों पे ठीक है कि क्या करा सीम टू वेरी मच बिकॉज मोस्ट ऑफ द माउस्ट मॉस्टेज पीसेंट इन आर विलेज आर बियॉन्ड बियॉन्ड मतलब कि अभारी टू द लोकल मनी लेंडर्स देखो जब उसने टाइगर मॉस्टेज को ट्विस्ट किया ठीक है अब हमने देखा कि अगर आपकी मॉस्टेज आपके स्टेटस को डिफाइन कर रही है तो इतना तो पैसा नहीं हुआ आया ना एकदम से कि टाइगर मॉस्ट्रच कर लेगा टाइगर जैसी मूछ बना लेगा हाँ लेकिन वो यहां पे कह रहा है कि मेरे विलेजेस में बहुत सारे लोगों की माउस मॉस्ट्रच थे माउस मॉस्टेज कौन होता था बेटा अभी क्वेश्चन लिया था जो पीसेंट्स होते हैं फार्मर और ये सारे फार्मर बिहॉेड मतलब कि आभारी थे लोकल मनी लेंडर के कि भाई ये लोग ये तो हमारी गेहूं को लेता है चाहे खरीद के लेता लेता चाहे सस्ते में लेता है ठीक है पैसे तो हमारे घर में भी आते हैं तो उन सब ने ध्यान उस पर नहीं दिया क्लियर है आईदर बिकॉज दे ओ हिम इंटरेस्ट ऑन द लोन और एन इंस्टॉलमेंट ऑन अ मोस्ट मोट गेज ऑफ द ज्वेलरी और अ लैंड अब देखो इंपॉर्टेंट पहली बात तो उनसे क्या करता था सस्ते में खरीद लेता था क्या करता था सस्ते में खरीद लेता था ठीक है सस्ते में खरीदने के बाद बेच देता था और उसके बाद वो क्या सोचता था जल्दी बताइए जो लोकल मनी लेंडर्स ने जब देखा कि भाई ये तो टाइगर मॉस ट्रेज बन के बैठा है ऐसे मुझे ऊपर करके बैठा है तो वो कुछ भी नहीं कहते थे इसको ठीक है ऐसे कुछ नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहते थे क्योंकि ये जो मनी लेंडर है ये उन्हें लोन पे पैसे देता था लोन पे पैसे देता था मतलब कि इंटरेस्ट पे लेता होगा बेटा कॉमर्स के हो सकते हो आप जो कॉमर्स के नहीं है बेटा आराम से समझिए ऐसे अगर आप लोन लेते हो ठीक है लोन लेते हो तो कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है हाँ करनी पड़ती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है हाँ मैम होता है कितना परसेंट तक होगा बेटा ट्वेल्व टू फोर्टीन आम होता है हाउस लोन, लोन पे बाकी हम और को ये चीजें डिस्कस नहीं करनी है ठीक है तो यहाँ पे देखिए लोकल मनी लेंडर आइदर बिकॉज़ दे ओ हिम अ इंटरेस्ट ऑन लोन जो लोन पे लेते थे ठीक है और एन इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट पे हम पैसा पैसे ले लिया और इंस्टॉलमेंट पे उसको वापस करना ठीक है ऑन अ मॉर्टगेज ऑफ ज्वेलरी और लैंड मॉर्टगेज का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ मॉर्टगेज का मतलब होता है कि किसी चीज को देना ठीक है मतलब कि आपने गोल्ड रख दिया उसके आगे या लैंड दे दी और उस पर आपने पैसे ले लिए उसके बाद जब आप पैसे लौटाओगे तो आपको आपकी ज्वेलरी या लैंड मिल जाएगा वापस ये हो गया हमारी कॉमन अगर हमारे को यहाँ पे बिजनेस टर्म्स में से बताना हो तो बेटा बताइए मोटेगेज मतलब कोलेट्रल सिक्योरिटी क्लियर हो गया ओके आगे चले ज्वेलरी या लैंड आगे चलो बिसाइड द स्नेथ हैड बिन केयरफुल इनफ टू ट्विस्ट हिस्स मॉस्ट सो दैट इट सी नियरली दो नॉट क्वाइट लाइक ठीक है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने अपनी क्या हुआ तो ये क्वाइट मतलब की सेम टाइगर जैसी नहीं लगी क्योंकि उसे बनानी भी नहीं आई होगी लेकिन हाँ देख रही थी कि हाथ थोड़ी बहुत टाइगर से मैचड है टाइगर से मैचड है क्लियर हो गया या नहीं हुआ जल्दी बताओ आगे चल सकते हैं चलो बट देयर लाइज इन द विसिनिटी ऑफ आर विलेज इन एन ओल्ड डिस्प्लेडेटेड मोगल चाइल्ड हाउस अ मुसलमान नेम्ड खान आजम खान हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम द एशियंट अफगान फैमिली हु हुर नोबल मैन एंड काउंसिलर्स ठीक है इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स खान आजम खान अ टॉल मिडल एज मैन इज अ हैंडसम एंड dignified person and he wears a tiger moustache and remain adorned with the faded remnants of gold brocade waistcoat though he hasn't even a patch of land left क्या मतलब हुआ इसका मान समझा दो ये तो ऊपर से जा रहा है ना पैराग्राफ बोला था ना ठीक इंग्लिश अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है के साथ पढ़िए से आपकी हो जाएगी को बोलना सीख जाओगे ठीक है का क्या मतलब कि विलेज है जैसे गांव होता है गांव के आस पास इन ओल्ड डिस्प्लेडेड मोगल स्टाइल मतलब डिस्प्लेडेड मोगल स्टाइल का क्या मतलब हुआ हाउस कि जैसे मुगलों का महल होता है ना मुगलों का हाउस होता है वैसे ही मुगलों के हाउस में एक ओल्ड मैन रहता था ठीक है कौन था वो मुसलमान मुसलमान मतलब कि एक मुस्लिम पर्सन रहता था जिसका नाम था खान आजम खान क्या नाम था खान आजम खान जो ऑफ़ आर विलेज विसिनिटी का क्या मतलब हुआ आसपास का एरिया क्लियर है ठीक है हु क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम एन एशियंट अफगान फैमिली डिफरेंट मतलब अवतरन अफतरन का क्या मतलब हुआ बेटा जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड होता है ना क्या जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो अफगान फैमिली से था मतलब अफगान से रहते होंगे ठीक है जो इनका मतलब कि जिनकी पोजीशन सोसाइटी में हेड क्या क्या मतलब हुआ जिनका स्टेटस सोसाइटी में नोबल मैन मतलब ठाकुरो जैसा ठीक है नोबल मैन मतलब ठाकुरो जैसा था ठीक है किंग की तरह था एंड कौंसिलर कौंसिलर का क्या मतलब होता है पार्श दो मतलब कि और जो हम देखते हैं ना आज पर एम्प्र के ठीक है एंड कौंसिलर इन द कोच ऑफ द ग्रेट मुगल मतलब कि जो आजम खान थे उनका स्टेटस ठाकुरों की तरह था ठीक है और साथ ही साथ जो उनके पास दो मतलब कि जो उनके हेल्प करने वाले जो लोग साथ में चलते थे वो सारे के सारे कोर्ट में थे किसके ग्रेट मुगलों के कोर्ट में थे किसके थे ग्रेट मुगल्स के कोर्ट में वो काम करते थे क्लियर है या नहीं है आगे चलें चलो खान अजम खान अ टॉल मिडल एज मैन इज हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन डिग्निफाइड का क्या मतलब होता है अभिमानी डिग्निफाइड का क्या मतलब होता है थोड़ा सा उसे घमंड था अभिमान था उसे ठीक है आगे देखो खान का मैं कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा थ्री मार्क्स का एक्सप्लेन दैरक्टर ऑफ आजम खान क्या बोलोगे तब अभी नहीं सुन रहे क्या बोलोगे तब देखो ध्यान से बेटा ठीक है खान आजम खान अटॉल मतलब कि उसकी जो थी, वो थी क्या थी उसकी हाइट जो थी वो लंबी थी ठीक है और मिडल एज मैन मिडल एज मैन मतलब की उसकी जो एज थी वो थर्टी प्लस थी और सिक्सटी से कम थी ठीक है ए, मिडल एज होती है थर्टी प्लस प्लस सिक्सटी से कम ठीक फोर्टी फाइव से जर्नली ये स्टार्ट होती है ठीक है तो यहाँ पे थर्टी रहने दीजिए फोर्टी तो फाइव टू सिक्सटी के बीच में ये जो एज होती है ठीक है और इज हैंडसम मतलब कि अच्छा दिखने वाला इंसान हैंडसम इंसान था वो और डिग्निफाइड और थोड़ा बहुत थोड़ा उसे घमंड भी था ठीक है एंड ही वियर्स अ टाइगर मोस्ट्रेज और वो क्या पहनता था मतलब कि उसके टाइगर मोस्ट्रेज होती थी और टाइगर मोस्ट्रेज का क्या मतलब पूर्वजों से पैसा तो मिला है ज्यादा नहीं मिला लेकिन लाइन जितना नहीं है लेकिन लाइन से कम है क्लियर है ओके आगे चलें ठीक है एंड रिमेंस एडोंड विद द फेडेड रेमिटेंट्स ऑफ द ग्लो गोल्ड ब्रॉडगेडेड वेस्टकोट अब यहां देखो एडोंड का क्या मतलब होता है विभूषित क्या मतलब विभूषित ठीक है और आगे देखो रिमेंस एडोंड मतलब विभूषित विद द फेडेड Remnants. Remnants का क्या मतलब होता है आवेश मतलब कपड़ों के बारे में कोई बात की जा रही है और साथ ही साथ ज्वेलरी के बारे में कोई बात की जा रही है ठीक है ऑफ अ गोल्ड ब्रोकेजेड वेस्ट कोट अब मैंने बोला ना कपड़ों के बारे में बात कर रखी है वेस्ट कोट मतलब वेस्ट कोट मतलब लड़कों को पता होगा हाँ पता होगा बताइए फिर क्या होता है ठीक है तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो वेस्ट कोट मतलब कि ऊपर शर्ट से ऊपर वो पहनता था ठीक है तो यहाँ पे क्या था गोल्ड ब्रॉडकेडेड था ब्रॉडकेडेड मतलब जरी से जुड़ा हुआ कोट ठीक है मैं क्या कह रही हूं जरी से जुड़ा हुआ कोट क्लियर है आपको यहाँ पे ओके तो यहां पे हमारे को आजम खान के बारे में बताया गया था तो? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अगर कि अजम खान क्या पहनता था मैम वेस्ट कोट पहनता था जरी से जुड़ा हुआ होता था, था तो यहाँ पे हमने ये बातें करी ठीक है टाइगर रखता था या नहीं रखता था हाँ भाई टाइगर भी यहां पे वो रखता था ठीक है और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा लास्ट की लाइन रह गई कि दो ही हैजेंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट इसका मतलब ये है कि उसके पास जरा सी भी जमीन नहीं बची थी लेकिन उसका स्टेटस ऐसा था सोसाइटी में कहता था, था कि यहां पे वो टाइगर मोस्ट्रेज रख के बैठता था क्लियर है या नहीं है जल्दी बताओ बेटा होगी क्लियर आगे चल सकते हैं कोई डाउट है तो बेटा अभी पूछिए क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके इलेक्टिव बुक का है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे बहुत कम ऑप्ट करते हैं इसको बट जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको वीडियो मिल जाए वही नेट का पर्पस होता है ठीक है तो ये बहुत कम वीडियोस बनती हैं तो प्लीज देखिए इसको ध्यान से ठीक है सम पीपल नोटेबली द लैंड लॉर्ड ऑफ आर विलेज एंड द मनी लेंडर इज अ इम्पोस्टर एंड दैट ऑल हिज चॉक अबाउट हिम ब्लू ब्लड इज मेयरली ब्ल रास्कल क्या मतलब हुआ सम पीपल नोटेबली जो कई पीपल होते हैं जिन्हें हम नोट कर सकते हैं मतलब कि जिनको हम देख सकते हैं नोट करना ठीक है इंपॉर्टेंट ठीक है द लैंड लॉर्ड लैंडलॉर्ड कौन होता है जमींदार ठीक है ऑफ आर विलेज जो हमारे विलेज के थे जो एंड द मनी लेंडर जो मनी पैसे देते थे उधार पे ठीक है ओके मेल्किसली मेल्ले का क्या मतलब होता है द्वेश पूर्वक ठीक है से दैट ही इज द इम्पोस्टर मतलब कि वो एक तरह के ढोंगी लोग हैं एंड क्या की जो लैंडलॉर्ड है या मनी लैंडर है तो वो नियरली ढोंगी थे बहुत ही केवल झूठ ही बोलते थे मतलब की बदमाश का झांसा ठीक है ये एक क्या है जल्दी बताइए ये अब है ठीक है तो हम इसको ही बस यही समझते हैं कि वो पागलों की तरह बोलते थे क्या कि उनका जो ब्लड है ना सबका ब्लड रेड कलर का होता है किसी का ब्लू देखा है नहीं बट ये लोग बोलते थे मनी लेंडर वगैरह क्या कि उनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है क्लियर है या नहीं है जल्दी बताओ बेटा आगे चले ठीक like है अदर्स लाइक द प्राइस ऑफ द टेम्पल प्राइस कौन होते हैं पंडित ठीक है प्राइस कौन होते हैं बेटा पंडित कौन है पंडित ठीक है

या मैं ये कहूं कि उनके जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स का क्या मतलब हुआ पूर्वज क्या हुआ पूर्वज वर सर्टेनली अटैच टू द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स ठीक है तो यहाँ पे लिख रखा है जो कोर्ट के मुगल के अगर आपको ध्यान से समझना हो कि जो पंडित हैं टेम्पल के हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो उनके पूर्वज थे ना वो काम करते थे उनका कोई रिलेशन था अटैच थे ग्रेट मुगल्स के कोर्ट में ठीक है यहां तक समझ में आ गई ओके बट एज स्वीपर लेकिन वो स्वीपर की तरह काम करते थे स्वीपर कौन होते हैं जल्दी बताइए काम करने वाले ठीक है सफाई करने वाले स्वीपर्स ठीक है आगे देखो द लैंड लोर्ड द मनी लेंडर एंड द प्रिस्ट आर मैनिफेस्टली जेलेस ऑफ एनी वन लॉन्ग एंसेस्ट्री हाउ एवर बिकॉज दे हैव ऑल रिजन फ्रॉम नथिंग एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द दी रूइंस अराउंड कदम खान व्हाट ग्रेस वंस हैड हिज फोर्टर ध्यान से पढ़ो मैं कह रही हूँ ध्यान से पढ़ो हमें बिल्कुल ब्रेक करना है सेंटेंसेस को क्योंकि वो वन वर्ड्स की इंग्लिश आपको दिखेगी ही ऐसी ठीक है तो इस पे हमारे को फोकस करना पड़ेगा यहाँ तक हमने ये पढ़ा जो विलेजर्स के मनी लैंडर्स थे या लैंडलॉर्ड थे वो हमेशा क्या कहते थे कि भाई हमारा जो ब्लड है ना वो ब्लू कलर का है तो राइटर यहाँ पे कह रहे बिल्कुल सरेआम झूठ बोलते थे पागलों की तरह ठीक है बदमाशों की तरह ठीक है आगे देखे और जो प्राइस थे मतलब जो पंडित थे ना वहां के टेम्पल के तो वो कहते थे हाँ भाई हमारा कोई रिलेशन था मुगलों के कोर्ट में लेकिन हम स्वीपर की तरह काम करते थे मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो स्वीपर थे कोर्ट में मुगल्स के ठीक है आगे देखो द दे लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर और जो प्राइस थे ना वो मैनिफेस्टली मैनिफेस्टली का क्या मतलब होता है स्पष्ट रूप से हम अगर हम देखना चाहें बिल्कुल ट्रू सेंस में वो जेल होते थे लॉन्ग लॉन्ग uh, का क्या मतलब होता है कि पूर्वजों से चली आ रही है वो ऐसी नफरत थी एंड इट इज ऑल दैट स्ट्रेटली रूइंस अराउंड आजम खान स्ट्रेटली का क्या मतलब होता है जल्दी बताइए स्ट्रेटली मतलब स्ट्रेट वाइज क्लियर है आपको ठीक है मतलब अली मतलब स्ट्रेट वाइज ठीक है रूइंग्स खंडर ठीक है जो सारी की सारी ये खंडर कर देते थे खराब कर देते थे और ये सारे के सारे घूमते कहाँ थे खान आजम खान के वट ग्रेस वंस हिज एंड हिज फोर्स फादर और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आज़म खान है ना उसके आस पास ये लोग घूमते रहते थे क्योंकि आजम खान को क्या था फोर्स फादर मतलब जो पूर्वज से चलते आ रहे थे या भगवान की उस पर दया थी कि ये लोग उसके आस पास घूमते रहते थे क्लियर है आगे पढ़े बच्चा चलो पढ़ते पैराग्राफ तो पढ़ लो ओनली खान आजम खान इज ग्रेटली इन एक्सेस ऑफ प्रेजेंट पोजिशन एंड ही इज इन जेलेस ऑफ ओल्ड प्रिवलेजेस एंड रेदर फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग इन सेफ गार्डिंग एवरी स्केर्ड ब्रेक ऑफ टॉटरिंग हाउस अगेंस्ट विज ध्यान से पढ़ लो बेटा मैं कह रही हूं ध्यान से पढ़ लो इंग्लिश ऐसी है इसकी ठीक है देखो ओनली आजम खान प्राइड इज ग्रेटली इन एक्सेस ऑफ इज प्रेजेंट पोजिशन ठीक है जो प्राइड मतलब की जो घमंड था आजम खान को इज ग्रेटली इन एक्सेस ऑफ द प्रेजेंट पोजिशन मतलब की आजकल की पोजिशन का क्या मतलब है कि उसके पास इतना सब रिस्पेक्ट थी इसलिए उसे घमंड था कि लोग जो प्राइज है, 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 हैं जो मनी लेंडर्स हैं जो लैंड लॉर्ड हैं उसके आस पास घूमते हैं And he is in ordinary jealous of the old privileges. और in ordinary मतलब कि जो ordinary तरीके से नहीं, बिल्कुल अजीब तरीके से वो jealous होता था कि उसे इतनी सारी ओल्ड privilege मिली है। And rather foolish and headstrong in safeguarding every scared brick of his tottering house against vandalism. And rather foolish. Foolish का क्या मतलब होता? बेअकलो की तरह, बेअकलो की तरह, ठीक है वो headstrong, हट्टी करके रखता था, ठीक है headstrong in safeguarding. स्टेफ गार्डिंग का क्या मतलब बचा के रखना ठीक है एवरी सेकंड सेकंड का क्या मतलब होता है अपना जो भी उसका वेंडलिज्म में मतलब कि बर्बत था या ये कहूं कि जो हाउस था वेंडलिज्म में ठीक है हर उसको क्या एक एक ब्रिक को वो संभाल के रखता था जैसे पागलों की तरह और टॉटरिंग हाउस टॉटरिंग का क्या मतलब होता है जो हाउस अदल बदल हो जाता है मतलब कि गिरने वाला है ढीला है ठीक है हाउस अगेंस्ट तो यहां पे यही समझ में आया क्लियर है आपको ये पैराग्राफ तो इसको मैं समराइज कर देती हूँ फिर उसके बाद हम क्विज खेलते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर के लिए ठीक है अभी हमने यही पढ़ा है जो लैंडलॉर्ड है ठीक है वो क्या कहता था कि उसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है जो प्राइज था उसका रिलेशन क्या पता चलता था कि वो मुगलों के कोर्ट में है ठीक है कैसे उसका रिलेशन था बेटा स्वीपर्स की तरह था और जो मनी लेंडर लैंडर प्राइस थे वो आजम खान के आसपास घूमते रहते थे ठीक है आजम खान को अलग ही घमंड होता था कि उसे ओल्ड प्रिवलेजेस मतलब की प्रिवलेजेस का क्या मतलब है सुविधाएं मिलती थी ठीक है और वो अपने घर को जो वेंडलिज्म में था या वेंडलिज्म का क्या मतलब होता है बर्बता ठीक है उसे वो एक एक ब्रिक को बहुत संभाल के रखता था ताकि कि वो टूट ना जाए क्लियर है आपको यस और नो तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्लाइड्स रह गई थी मतलब एक पैराग्राफ रह गया है अगर आप कहते हो तो ये भी पढ़ा दूँ आज उसके बाद क्विज करें नहीं मैम हम तो थक गए हैं ठीक है आप आगे ये क्विज देखिए हुज हेड्स वर इन अ ग्रेट मुगल्स हुज हेड्स वर इन ग्रेट मुगल्स जल्दी जल्दी बेटा बताइए पीसेंट का अजम खान का बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अब जल्दी जल्दी बता दो खेल लो ताकि आपको आराम मिल जाए पांच मिनट का <coughs> जल्दी बताइए इन ग्रेट मुगल्स बेटा जो मुगलों का राजा था जिसके पास लैंड भी नहीं था लेकिन घमंड पूरा था चले दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ठीक है चार्ली चैप्लेन माउस्ट्रेज इज वन बाय चार्ली चैपलेन माउस्ट्रेज इज वन बाय लोअर मिडिल क्लास रिच फैमिली बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ अब बेटा मैंने कहा था ना क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लूंगी तो पूछ लिया जल्दी बताओ जल्दी 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 बेटा बता दीजिए हो गया चलो आंसर बता दू ठीक है आंसर बता देती हूँ हु ग्रेट मुगल्स बेटा किसके थे आजम खान के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे हम हा? हाँ तो बी पार्ट हो गया करेक्ट ठीक है चार्ली चैप्लिन मॉस्टर्च इज वन बाय लोअर मिडिल क्लास पीपल क्योंकि वो प्रोफेशनल यूज करते थे प्रोफेशनलिज्म जाना होता था तो क्लीन शेव और टाइगर मॉस्टर्च के बीच में वो चार्ली चैप्लिन मॉस्च को रिफ्लेक्ट करते थे क्लियर है तो अब हम ये पैराग्राफ पढ़ लें मैम थक गए थे ना तभी क्विज खिलाया है ना पहले ये पैराग्राफ आज पढ़ के रहेंगे ठीक है देखो खान आजम खान हैो टू द मनी लेंडर शॉप बाई दॉ वाइफ गोल्ड नोस रिंग वन मॉर्निंग एंड ही नोट इसी ऑफ द हेयर ऑफ रामानंद अपर लिप विच मेड अ मनी लेंडर गोट मॉस्ट्रेज लुक ऑलमोस्ट लाइक इट्स ओन टाइगर मॉस्ट्रेज एक दिन क्या होता है एक दिन आजम खान मनी लेंडर के पास गए आजम खान खान तो एक एक दिन आजम खान गए? गए. के पास ठीक है है, प्यादा जो जो छोटा सा गोल्ड का जो होता सुबह के समय में एंड ही नोटिस और उसने क्या नोटिस किया टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द हेयर टर्निंग मतलब कि चढ़ना यहाँ पे जो

खा कि मनी लेंडर की गोट मोस्टेज है लुक ऑलमोस्ट लाइक हिज ओन टाइगर और उसे लगा कि जैसे मनी लेंडर ने टाइगर ही कर रखी है देखो सिंस व्हेन हैव द ईटिंग अ शॉपकीपर बिकम मैन ही भाई हमने यहाँ पे देखा कि आजम खान का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा घमंडी था और उसकी जो मोस्टेज थी वो ऐसी होगी ठीक है अब उसने देखा जो मनी लेंडर होते हैं जिनकी गोट मोस्ट्रेज होती है उसके अपर लिप्स के ऊपर ना मूछे आ रही हैं और उसकी जो अपर लिप्स की कैसी लग रही है टाइगर जैसी लग रही हैं कैसी लग रही हैं टाइगर जैसी ही लग रही हैं क्लियर है ओके तो यहाँ पे हमारे अजम खान को आ गया गुस्सा क्या आ गया गुस्सा सिंस वेन वी हैव द लिटल ईटिंग शॉपकीपर्स बिकम अ नोबल मैन लिटल मतलब मसूर ठीक है पत्ते वाली सब्जी होती है तो वो कह रहे हैं कि ये जो शॉपकीपर जो पत्ते खाते हैं वो कैसे ठाकुरों की तरह बन गए कब ठाकुरों की तरह बन गए ही आस मतलब चिड़चिड़ापन से मतलब कि गुस्से से क्या बोले कि भाई जो ये पत्ते खाते हैं शॉपकीपर दुकानदार वो आठ ठाकुरों जैसे कैसे बन गए क्योंकि हमने देखा कि रामानंद का जो अपर लिप्स के ऊपर जो मूछे थी वो थोड़ी ऐसे बन गई जैसे कि वो टाइगर मोसरेज क्लियर है या नहीं है जल्दी मुझे बताइए क्लियर हो गया यस और नो ठीक है तो ये जो आगे का चैप्टर है बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है लेक्चर नंबर फोर थ्री में करेंगे हम तो ये रहा हमारा डेली टाइम टेबल बारह बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है एक बजे केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर बायो और हर मंडे मैं कह रही हूँ मंडे वेटनसडे और फ्राइडे आपकी होती है इंग्लिश की क्लास चार बजे तो इलेवेंथ के इंग्लिश मीडियम के बच्चे मौज काटो ठीक है अब हम मिलेंगे रात को आठ बजे लेकिन टेंथ की लिटरेचर के साथ थैंक यू सो मच डाउट नोट बने रहे बाय टेक केयर